आप सभी को श्री हरिदास घटा छटा नक से कुठ है सावर गौर विलास घन प्रगट रीति को जय जय श्री हरिदास। हम सभी लोग वृंदावन धाम जाते हैं और श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन हम लोगों ने सभी ने किए हुए हैं। हमने कभी ध्यान दिया हो जब हम बिहारी जी के मंदिर की परिक्रमा देते हैं तो श्री बिहारी जी के मंदिर के बिल्कुल पीछे जहाँ पर बिहारी जी विराजमान है उसके पीछे वाली दीवार पर हम लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर गोबर के सतिये बनाए जाते हैं। वह सतियों की क्या लीला है और वह सतिये क्यों बनाए जाते हैं उसी के विषय में चर्चा लेकर आज आप लोगों के मध्य उपस्थित हुआ हूँ। एक बार की बात, श्री धाम वृंदावन के निकट एक गांव था जो कुछ ही दूरी पर श्री धाम वृंदावन के था। वहां पर एक गायत्री नाम की ग्रस्त महिला अपने परिवार के साथ रहती थी। कहते हैं कि उसके परिवार में खेत खलियान मकान किसी बात की कमी नहीं, अर्थात हर तरह से पूर्ण थी, और उसके मन में फिर भी एक दुख सदैव बना रहता। वह था कि उसके कोई भी संतान नहीं थी और संतान का दुख उसे बड़ा पीड़ा देता, और इतने सुख साधन होने के बाद भी वह सदैव सोचती कि मेरा कौन सा ऐसा अपराध बना जो मेरे इस जन्म में कोई संतान नहीं है। उसने ज्योतिषियों को भी दिखाया, हकीमों और वैद्यों से एवं डॉक्टरों से जैसा संभव हो सका वैसा उसको जैसा पता चला और उससे संभव बना उसने दिखाया, परंतु कहीं भी सफलता न मिली एवं वह निराश होकर ही लौटी। और एक बार की बात कि उसके पड़ोस के निकट कुछ लोग श्री धाम वृंदावन से जुड़े हुए जो श्री बिहारी जी के दर्शन करने जाते थे वह उसके घर आए और उन्होंने चर्चा जब प्रारंभ की तो बिहारी जी की महिमा का वर्णन होने लगा एवं श्रीधाम वृंदावन की लीलाओं का श्रवण और कथन होने लगा। इस पर गायत्री के मन में एक लालसा और एक आस की किरण जगी कि अगर बिहारी जी इतने ही कृपालु हैं, इतने ही दयालु हैं, तो क्यों ना मैं भी उनके दर्शन करूं और उनके दर्शन के फलस्वरूप क्या पता मेरी भी कोई संतान हो जाए, मेरी भी सूखी बगिया में कोई पुष्प खिल जाए। ऐसी उसके मन में आशा का दीपक जला और बिहारी जी के चरणों में सिर्फ बिहारी जी की महिमा सुनकर ही निष्ठा बन गई। उसके पड़ोसी तो जिक्र करके बिहारी जी की महिमा का चले गए, परंतु उसके मन में पूरे दिन सिर्फ बिहारी जी की वही महिमा और बिहारी जी की लीलाएँ गूंज रही थी। रात्रि को उसने अपने पति से कहा कि मैं श्री राम वृंदावन जाना चाहती हूँ, श्री बिहारी जी की ऐसी ऐसी महिमा सुनी है, क्या पता हमारे भी सोए भाग्य जग जाए और हमें भी संतान की प्राप्ति हो। इस पर उसके पति ने कहा कि हमने इतने उपाय करे, ज्योतिषों को दिखाया, हवन कराए और डॉक्टरों को भी दिखाया, परंतु कहीं सफलता ना मिली। अब बिहारी जी जाने से क्या होगा, कब तक हम अपने मन को इस प्रकार से तसल्ली देते रहेंगे और झूठी दिलासा देते रहेंगे। परंतु गायत्री का तो विश्वास श्री बिहारी जी के चरणों में अटूट बंध चुका था, उसने ना मानी और वह वृंदावन धाम जाने की जिद करने लगी। इस पर उसके पति ने उसे आज्ञा दी कि तुम श्री धाम वृंदावन चली जाओ, वहां भी जाकर एक बार देख लो। इसी के साथ जब उसके पति ने उसे आज्ञा दी तो उसके मन में बड़ा हर्ष हुआ और वह अपने पड़ोसियों के साथ ही श्रीधाम वृंदावन की ओर गई बढ़ी। श्रीधाम वृंदावन में वह अपने पड़ोसियों के साथ गई और जब वह श्रीधाम वृंदावन में पहुंची तो सबने केसी घाट पर यमुना जी के किनारे स्नान किया एवं फिर सभी लोग बिहारी जी के मंदिर की ओर बड़े। गायत्री भी उन्हीं के पीछे पीछे श्री धाम वृंदावन में श्री बिहारी जी के मंदिर की ओर बढ़ी।
एक बड़ा सा चबूतरा आया, वहाँ पर बड़े ही सुगंधित पुष्पों की माला एवं प्रसाद बिक रहा था। गायत्री ने भी और लोगों के भांति प्रसाद लिया और मंदिर की दहरीज को चूमते हुए मंदिर में प्रवेश कर गई। मंदिर में इतना जनप्रवाह, इतनी भीड़ थी कि गायत्री एक कोने में खड़ी रही। पीछे से एक व्यक्ति आया जो उस महिला के लिए अपरिचित था। उसने कहा कि आप आगे आ जाओ, मैं आपको दर्शन करा दूंगा एवं आपकी माला और प्रसाद बिहारी जी तक चढ़वा दूंगा। भीड़ को देखते हुए गायत्री ने उसकी बात को मानना उचित समझा और वह उन्हीं के पीछे पीछे चली गई और एक साइड में उस व्यक्ति ने उस महिला को खड़ा किया। वहां से वह बिहारी जी के दर्शन बड़े आनंद के साथ कर पा रही थी, परंतु जब वह व्यक्ति वहां से लौटा उसका प्रसाद का भोग लगाकर तो देखता है कि गायत्री के नेत्रों में अश्रु भरे हुए हैं और वह बिहारी जी का दर्शन कर रही है, उसके होंठ कपकपा रहे हैं। इस पर जब उस महिला को थोड़ी चेतना आई और थोड़ी अपनी सुध आई तो गोसाई जी ने पूछा कि बिहारी जी के दरबार में कोई भी निराश होकर नहीं लौटता, तुम क्यों रो रही हो, अपने रोने का कारण बताओ। तो गायत्री ने उस व्यक्ति को जो गोसाई जी थे उन्हें सारा कारण बताया कि मैंने ऐसे ऐसे बहुत से रास्ते अपनाए, जैसा जिसने बताया वैसा दान्य पुण्य ज्योतिष को, हकीमों वैद्यों को दिखाया, परंतु मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इस पर गोसाई जी ने कहा, बस इतनी सी बात, ये तो हमारे बिहारी जी कुछ ही क्षण में कर देंगे, बस तुम विश्वास के साथ मंदिर के पीछे की साइड जाओ और वहाँ गाय के गोबर के सतीय बनाओ और उनसे अपनी प्रार्थना कर अर्जी लगाओ। जब गायत्री ने गोसाई जी के मुख से ऐसे शब्द सुने तो उनने बिहारी जी को प्रणाम करते हुए अपना प्रसाद लेकर चली गई और गाय का गोबर लेकर बिहारी जी के मंदिर के पीछे उसने सतीय बनाए एवं बिहारी जी से अपनी अर्जी लगाते हुए वह अपने घर को प्रवेश कर गई। जब वह अपने घर गई और प्रातः काल में उठी तो उसे रात्रि में एक सपना आया कि एक छोटी सी कन्या उसके आंगन में डोल रही है। जब उसने अपने पति को यह बात बताई तो पति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वही सपन उसके पति ने भी देखा था। दोनों बड़े ही खुश हुए। उन्हें बिहारी जी ने संकेत किया कि शीघ्र ही तुम्हारी कामना पूर्ण होगी और एक वर्ष के पश्चात गायत्री ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया और दोनों को एक कन्या की प्राप्ति हुई। गायत्री बहुत ही प्रसन्न हुई और बिहारी जी के मंदिर पुनः गई। अब के बार उसका पति भी उसके साथ गया एवं दोनों भीड़ में जब प्रवेश कर गए मंदिर में तो वह उन गोसाई को ढूंढने लगे जिनसे गायत्री की पहले मुलाकात हुई थी, परंतु गायत्री उन्हें कुछ क्षणिक मुलाकात में चेहरा पहचान ना पाई। परंतु भीड़ में फिर यही हुआ, एक व्यक्ति ने उसे पीछे से बोला कि आप आगे चली जाओ। जब गायत्री ने मुड़कर देखा तो वह वही गोसाई थे। गायत्री ने उनके चरण स्पर्श किए और कन्या को उनकी गोदी में डालते हुए द्रवित नेत्रों से कहा कि आपकी कृपा और आपके आशीर्वाद से मुझे यह संतान की प्राप्ति हुई है। गोसाई जी मुस्कुराए और उन्होंने कन्या को आगे ले जाकर बिहारी जी के चौखट पर माथा लगाया और प्रसादी माला पहनाकर कन्या उसे पुनः सौंपी। गायत्री ने कहा कि आप मुझे अपना नाम बताएं। इस पर गोसाई जी ने कहा कि मैं मंदिर के पीछे ही रहता हूँ, मेरा नाम शरण बिहारी गोसाई है और जो भी कुछ हूँ बिहारी जी की कृपा से हूँ और आज तुम्हें जो ये संतान की प्राप्ति हुई है यह भी श्री बिहारी जी की कृपा से ही हुई है, मैं तो कुछ भी नहीं, खुद इनका दास हूँ। ऐसा कहकर दोनों दंपत्ति ने उनका आशीर्वाद लिया और अपने गांव को प्रस्थान कर गए।
तो बिहारी जी इस प्रकार से अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। और बिहारी जी के मंदिर के पीछे जो गोबर के सतीय रखे जाते हैं उनका यही महिमा है कि हम लोग जो गाय के गोबर के सतीय रखते हैं वह सिर्फ एक प्रार्थना के लिए अर्जी होती है। परंतु हम लोग यदि इस कहानी से देखें, इस घटना से या बिहारी जी की इस लीला से थोड़ा सा विचार करें कि बिहारी जी के चरणों में जब गायत्री का अनन्य विश्वास हुआ तभी उसे संतान की प्राप्ति और बिहारी जी के दर्शनों का सुख प्राप्त हुआ, और मन जब तक उसका संसार में भटकता रहा तब तक दुखी पाता रहा। इसी प्रकार से हमारा मन भी जब तक संसार में भटकता रहेगा कि हम जिसका सुनेंगे वैसा करते रहेंगे तब तक कुछ भी हाथ नहीं आएगा। परंतु जिस दिन बिहारी जी की कृपा से या किसी लीला का प्रभाव हमारे जीवन में होगा और हमारे मन में बिहारी जी के प्रति की निष्ठा होगी एवं विश्वास होगा, और जब हम बिहारी जी के आश्रित हो जाएंगे तो हमारा जीवन आनंदमय एवं भजनमय हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग स्वामी जी और बिहारी जी की अनन्यता को स्वीकार कर अपने भजन में एवं बिहारी जी के दर्शन का सुख प्राप्त करें। मैं मुकेश कुंज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को मेरा श्री हरिदास, श्री हरिदास।